जिस दिन से तुम मेरी हवेली आई कसम भगवान की उसी दिन से हमारा दिलो दिमाग तुम्हारे ऊपर है। कहते नहीं है ए कमला किया की तरह जहिया तुम्हारे रहलू पंत में लेके चलो बुरी बात मामो दो 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 उठा लेके चलो कमरे को है? अरे सारे कंत में लेके चलता हो किसी ने कहा है जिसे ऊपर वाला
वाला दे तो उसे छप्पर फार के देता है। एक भी अब दो आ गई तू भी आया तीन हो जाएगी है ना। लेकिन तू क्या चाहती है बता। मैं जन्म फिर भगवान के लिए छोड़ूंगी। भगवान के लिए? भगवान के लिए छोड़ दे। अरे भगवान क्या इसे रखेल बना के? नहीं नहीं, इनकी रक्षा करने के लिए। अगर तू कहती है तो मैं इसे छोड़ दूंगा। लेकिन जो हम करना होगा अच्छी कहना क्या कहते हो? हेलो, राजकुमार भाई साहब, राजकुमार भाई साहब मैं सीता से आए हूँ। तेरे इस नंबरदार को छोड़ना नहीं, जमा के मारो तो घूम। हमने उनके मुख से नहीं सुना ये साला टुकाची। हमको कहना क्या चाहते हो डॉक्टर साहब? कमला को छोड़ दो। जी हमने छोड़ दिया और मैं वादा करता हूँ कि कमला के ऊपर हाथ नहीं रखूंगा। क्या मैं कहूँगा वो तुम्हें करना होगा। अच्छा कहना क्या चाहते हो? वो तो मैं बाद में बताऊंगा, करोगी या नहीं। जी हाँ मुझे मंजूर है। इसे कमला को ले जाओ, कमरे में बंद कर दो। लेकिन घबराओ नहीं, आगे आओ। अगर तुम हमारे करोगे तो मैं वादा करता हूँ कमला को छोड़ दूंगा। अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? आप तुम्हारी को जानती हो? जी हाँ जानती हो। क्यों नहीं, हम भी जानते हैं कि तुम्हारा और तुफान सिंह का कनेक्शन हो गया है। जब जानते हैं तो उसमें बताने की क्या जरूरत है? आगे बोलो। लेकिन उसी तुफान सिंह को तुमको एक बलात्कार के केस में फंसाना होगा। ऐसा नहीं होगा। एक दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी इज्जत को नीलाम कर सकती हूँ, लेकिन अपने प्यार को नहीं। ठीक है कहा था। अरे भाई जो लौंडी या जिस लौंडा के साथ हूँ हूँ करती हो तो उसे बलात्कार के केस में कहाँ फंसा सकती है? हम नहीं कहता हूँ कमला हमारी मुट्ठी में है, मैं इसी वक्त उसकी जीत की इज्जत को नीलाम। नहीं जा सकते। चलो एक दूसरे की इज्जत बचाने के लिए मैं अपनी जान को कुर्बान कर सकती हूँ, एक दूसरे की इज्जत बचाने के लिए मैं अपने प्यार को भी कुर्बान कर सकती हूँ। लेकिन मेरे जीते जी एक दूसरे की इज्जत बर्बाद कभी नहीं होती। यही बात है तो आज मेरे साथ तुम्हें थाने चलना होगा। थाने में चलकर इंस्पेक्टर साहब के सामने तुम्हें बयान देना होगा कि कल मैं खेतों की तरफ घूमने गई थी और एक तूफान नाम का लड़का आया और मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया है। बोलो हमारी शर्त तुम्हें मंजूर है? मुझे मंजूर है। अच्छा इसे थाने लेके चलो। लेकिन सुन लो, ये हमारे तुम्हारे अंदर में है, तीसरे के कानों कान खबर नहीं होना चाहिए। नहीं तो कमला की इज्जत को लीला। नहीं नहीं, ये बात किसी के कानों तक नहीं जाएगी। कमला चली गई ना तो तुम्हारी इज्जत लीला कर दूंगा। ये कवर में घर मालिक को उठाते हुए तस्वीर पर निकले ना मेरे पर निकले। तुम
घर छोड़ के यहाँ कहे गए? क्यों अपने ड्यूटी में नहीं जा रहे? वो बच्चा बच्चा रोएगा नहीं रहते? अरे छोड़ के आए मेरी हो, मैं तो ड्यूटी बता घर वाली वो छोटा सा बच्चा उसको खिलाने पिलाने में लगे। हमको तो ऐसा लगा कि आप हमारी बात को बोल ही गए। हम धनी नहीं आना चाहता था लेकिन मजबूरन मुझे आना पड़ा। अच्छा हुआ क्या? कौन सा कांड हुआ? कांड ये जो मुनीम साहब है ना हमारे यहाँ जो काम करते हैं। अच्छा अच्छा वो चश्मा वाले? हाँ। अच्छा उनकी एक लड़की वो बाहर लंदन में पढ़ती थी। लंदन में? जी हाँ। कब पढ़ी वो? आज एक हफ्ता हो गए वापस आई है। अच्छा यानी लंदन से पढ़ करके वापस आई है। साहब वो आगी तूफान आया था ना? तो वो खेतों की तरफ घूमने चली गई और खेतों की तरफ जब घूमने गई ना वो साहब जब घूमने गई तो वहाँ एक तूफान नाम का लड़का आया। अच्छा उस लड़की को मार के उसके साथ साहब जबरदस्ती बलत तूफान नाम का लड़का है। अगर ये बताओ ऐसे कांड हमारे हटके में होते रहेंगे तो हमारे जीने का अधिकार है क्यों भाई? नहीं ऐसा नहीं होगा। हमारे रहते हुए हमारे हटके में लौटिया भाई। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता। बोलिए। आपके हटके में क्या हो वो बुराई बदनामी हो रही है वो दूसरे कैसे वैसे हो रहा है लेकिन आपको हमने भी बताया है कि आप समझदार इंसान है। ये थाना कोई कबाड़ खाना नहीं है। नहीं ये तो नहीं देता। यहाँ पे सबूत की जरूरत होती है। सबूत दे या गवाह दे वही में हम लिखेंगे। तो जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है वो स्वयं बयान देगी तब तक तुम्हें यकीन होगा। जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है वो लड़की स्वयं क्यों नहीं गवाही देगी? उससे बुला कर बुलाओ। साफ साफ बता दो तुम्हारे साथ
आप आराम से बैठिए, आप लिखा बढ़ाना नहीं मेरा वो। ये हवलदार कुछ नहीं कह सकते, केवल बयान लेके बयान। हाँ भाई, हाँ हमारे रवि भाई अने रवि पंडित पीढ़ी के रहने वाले हैं। 151 रुपए हमारे घर मालिक को व्यवहार देते हैं। रवि भाई को पार्टी की तरफ से शुक्रिया अदा है। 151 नंबर हमारी लेते हैं, लेकिन ये रो रहे बिचारी। हम ऐसे कैसे निकले, या तो हम आपकी बात सुने या ऐसे पूछे कुछ सुने या लिखे कुछ हमसे मिला है। कहने का मतलब कि तुम्हारा क्या नाम? हेलो, ये आगे हमारे कल्लू भाई आवृत्ति पूर्वक रहने वाले हैं। ये 51 रुपया व्यवहार लेती ही पाली तरफ से धन्यवाद। नाम तुम्हारा? मेरा नाम रोशनी। रोशनी, ये बताइए किसकी लड़की हो? मैं मुनीम साहब की लड़की हूँ। मुनीम साहब की लड़की हो, ये बताओ खेतों की तरफ क्या करने गई थी? मैं खेतों की तरफ छड़ी छड़ी उड़ाने के लिए गई थी, और उस तरफ से एक ट्यूब फैन नाम का लड़का अपने खेतों की तरफ से चिड़िया उड़ाते हुए आया, और आने के बाद जब रास्ते में मुलाकात हो गई तो उसने कहा मैडम जी आप कहाँ जा रही हैं? तो मैंने कहा अपने खेत की चिड़िया उड़ाने के लिए आई हूँ। और उसने कहा कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? तो मैंने कहा तुम्हारा कौन सा काम है? बस इतना ही कहती हुई सर मेरा हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ने के बाद उसने मुझे जमीन में गिरा दिया। कहने का मतलब तूफान नाम का लड़का आया, तुम्हारा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के जमीन पर गिरा दिया, फिर क्या हुआ? अरे बादशाह, अरे फिर क्या हुआ? मेरी साथ बलात्कार और क्या हुआ? कहने का मतलब तुम्हारा नाम का लड़का आया, तुम्हारा हाथ पकड़ा, उसने जमीन पे गिरा दिया, गिराने के बाद बलात्कार किया। बलात्कार कैसे किया? देखिए हवलदार, किसी लड़की की मजाक मत उड़ाई। तुम्हारी माँ के साथ वो होता तब तुम्हें मालूम होता। अरे की समाज की बात है, अरे जब उठा लो ऐसे हुआ। अरे क्या बदली करवा दी? कोई सामान लिया था कि साबू आपको दिखा के उसने डरवा के किया है? कुछ भी किया, बलात्कार किया या नहीं? ये हमारे भैया दिनेश आ गए, अमृत पूर्वक रहने वाले हैं। 51 रुपए हमारे घर वाले को व्यवहार देती है। दिनेश भाई को पार्टी की तरफ से शुक्रिया अदा है। हेलो, यार श्रीमान है, श्रीमान भाई साहब सेवा पूरा रहने वाले हैं। ये कौन है? अभी 100 रुपया घर मालिक को व्यवहार दे रहे, 10 रुपए पार्टी के लिए नाम बोल रहे। इसके साथ लड़की को लेके जाओ, ये लड़की उस लड़का को पकड़वाएगी। अरे हम उस लड़के के ही क्लास में थे, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आप इस लड़की के साथ बलात्कार किया है? कल उस लड़की ने तुम्हारे साथ किसी और लड़की के साथ किया? ना ना, ऐसा नहीं होगा था वो। लेकिन जवाब चाहिएगा, मैं उस तूफान को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करूंगा। मेरा काम है का
मालू का व्यवहार दे रहे पश्चिम पार्टी के लिए आप दे रहे पार्टी के लिए। अरे तुम्हें बुरा भैया हमारे लागे अरे क्योंकि रोशनी ने कहा था यही पर हम तूफान कल से मुलाकात करेंगे। हेलो यागे प्रदीप कुमार जय श्रीलाल बाबू जी ये उसकी तरफ से अली प्रदीप कुमार तरफ से 141 एकड़ में घर वाले को जवाब है।